गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वीक का पहला दिन आप सभी कुछ नया सीखते हैं और उसके अगले दिन आप सब उसका रिवीजन करते हैं। लेकिन आज की कक्षा में हम रिवीजन के साथ साथ और कुछ नया सीखेंगे। अब आप सभी अपने नोटबुक को ऑन करें और एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। क्या आप सबने पेंट की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं, तो सामने दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए वीडियो को देखकर अब सीखते हैं कि पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपको अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेके आना है। आप अपने पॉइंटर को टच पैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आएं और फिर यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद एक और बॉक्स आएगा, इस बॉक्स के अंदर आपको एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर एक और बॉक्स आएगा, इस बॉक्स के अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहाँ पर अपने पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप जो सीखेंगे वह इस प्रकार से है। थिकनेस ऑफ लाइन क्या होता है, कलर पैलेट का उपयोग कैसे करते हैं और अपने फेवरेट कलर को चुनते कैसे हैं। सामने दिखाए गए चित्र के अनुसार आप थिकनेस ऑफ द लाइन के बारे में सीखेंगे। थिकनेस ऑफ द लाइन का उपयोग हम लाइन के साइज को बढ़ाने और कम करने के लिए करते हैं। अगर आपसे कोई यह कहता है कि चार लाइन खींचें और यह सभी लाइन साइज में अलग अलग होनी चाहिए, तो आप थिकनेस ऑफ लाइन का उपयोग करेंगे। आपके सामने दिखाए गए चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर लाल कलर के सर्कल से दिखाया गया है। इस चित्र में दो जगह पर लाल रंग के सर्कल से दिखाया गया है, उनमें पहला है लाइन टूल और दूसरा साइज, जिसे हम थिकनेस ऑफ द लाइन कहते हैं। जैसे ही आप सभी साइज पर क्लिक करेंगे, तब एक बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पर चार प्रकार की लाइन के साइज मिलेंगे, इनमें सबसे पतला, फिर उससे मोटा और फिर उससे मोटा। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइन के साइज को सेलेक्ट करेंगे और फिर लाइन टूल की मदद से लाइन खींचेंगे। सामने दिए गए चित्र में चार अलग अलग लाइन खींची गई है। क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि यह चार अलग अलग लाइन किस टूल की मदद से और कैसे बनाई गई है? यह चार लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम साइज लिखे हुए ऑप्शन पर जाएंगे और उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पर चार प्रकार की अलग अलग लाइन है, वहाँ से हमें एक एक करके सेलेक्ट करना है। फिर हमें उसे अपने पेंट की सीट पर ड्रैग करना है। इस तरह से सामने दिखाई गई ड्राइंग बन जाएगी। लाइन टूल की मदद से आप सभी आज की कक्षा की पहली ड्राइंग बनाएंगे। आइए देखते हैं कि अब हम इस चित्र को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन और सबसे पतला वाला लाइन को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन को ड्रैग करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, फिर दोबारा साइज पे जाएंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे
सबसे मोटा वाला, उसके बाद लाइन, फिर यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएंगे ऐसे, कर्सर साइड में रखेंगे, साइज पे कर्सर ले जाएंगे, लेफ्ट बटन दबाएंगे, तीसरा वाला साइज का प्रकार लेंगे, फिर लाइन को यहाँ से ऊपर की तरफ खींचेंगे, साइज पे जाएंगे, उससे बड़ा वाला साइज लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे। इस तरह से आपका यह इमेज बन जाएगा। अब हम इस स्लाइड में कलर पैलेट के बारे में सीखेंगे कि कलर पैलेट क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। पेंट में हम कलर्स को रखने के लिए कलर पैलेट का उपयोग करते हैं। इसके अंदर अलग-अलग प्रकार के कलर्स होते हैं जिन्हें हम ड्राइंग करते समय अपने ज़रूरत के अनुसार उपयोग में लाते हैं। कलर पैलेट का उपयोग हम किसके लिए और कैसे क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। कलर पैलेट का उपयोग कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 की मदद से करते हैं। इस कक्षा में हम सिर्फ कलर बॉक्स 1 के बारे में सीखेंगे। सामने दिखाए गए चित्र में दिखाया गया है कि सबसे पहले हम कोई भी एक कलर जो कि कलर पैलेट के अंदर है उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। कलर पैलेट से हम कोई भी कलर को सेलेक्ट करेंगे, वह कलर बॉक्स 1 में आ जाएगा। उसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे, वह लाइन ठीक उसी कलर की होगी जो आपने सेलेक्ट किया है। कलर बॉक्स 1 से हम आउटलाइन के कलर को बदलते हैं। आउटलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के बाहर की साइड का कलर को बदलना। अब हम कलर पैलेट के मदद से दिए गए चित्र को बनाएंगे। इस चित्र में अलग-अलग कलर का भी उपयोग करना है और उसके साथ-साथ थिकनेस ऑफ द लाइन का भी उपयोग करना है। जैसे कि आप सब जान चुके होंगे, सबसे पहले लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर थिकनेस ऑफ द लाइन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उस बॉक्स से एक साइज को सेलेक्ट करेंगे, फिर कलर पैलेट में जाकर कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम अपने पेंट की शीट पर ड्राइंग करेंगे। जैसे कि हमारी एक लाइन पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर से थिकनेस ऑफ द लाइन पर जाएंगे और वहां से दूसरे साइज को सेलेक्ट करेंगे और फिर से कलर पैलेट में जाकर दूसरे कलर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने शीट पर ड्रैग करेंगे। इसी प्रकार दिखाए गए चित्र को जैसे बनाया गया है, उसी प्रकार आप सबको बनाना है। सबसे पहले हम लाइन टूल पे अपने कर्सर को ले जाएंगे, लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर साइज पे जाएंगे, साइज पे क्लिक करेंगे, फिर कलर चेंज करके एक पतला लाइन ड्रैग करेंगे, फिर कलर जाके चेंज करेंगे, साइज पे जाएंगे, दूसरा वाला प्रकार का लाइन साइज लेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लाइन को खींचेंगे, कर्सर साइड में रख के क्लिक कर देंगे, फिर दोबारा हम कलर चेंज करेंगे, साइज पे तीसरा नंबर लाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से सीधा स्ट्रेट एक लाइन खींच देंगे बीच में,
ऐसे, फिर उसके बाद अपने कर्सर को साइड में रखेंगे, कलर चेंज करेंगे, साइज़ पे आएंगे, फोर्थ वाला साइज़ लेंगे और नीचे ऐसे ड्रैग कर देंगे इस तरह से। अब आपका यह भी चित्र बन जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि नया पेज या इसे मिटाते कैसे हैं। आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को ढूंढें, जो कि CTRL लिखा होगा। उसे आप अपने बाएं हाथ की एक फिंगर से दबाकर रखें और दूसरे हाथ से A को दबाएं। दोनों की को एक साथ प्रेस करना है, जिससे कि आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को ढूंढें और उसे एक बार प्रेस कर दें, जिससे कि आपका पेज या जो बनाया हुआ चित्र होगा वह डिलीट हो जाता है। हमने पिछली क्लास में घर बनाया था, पर वह घर बिना कलर का था। अब हमें इस घर को कलर चेंज करके बनाना है। आप सभी चाहें तो इस घर को बनाने के लिए कोई भी कलर उपयोग में ला सकते हैं। आइए अब इस चित्र को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कलर को सेलेक्ट करेंगे, कलर चेंज करेंगे, साइज पे जाके एक परफेक्ट साइज लेंगे और फिर इधर ऐसे यहाँ से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रैग करेंगे थोड़ा तिरछा। उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे फिर कलर को चेंज करेंगे और इन दोनों लाइन को ऐसे बीच में लाइन खींच के मिला देंगे। फिर से कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आएंगे। फिर दूसरी लाइन यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों लाइन आपस आमने सामने बराबर हो। फिर कर्सर को साइड में करेंगे, कलर को चेंज करेंगे, नीचे यहाँ से ये लाइन खींच देंगे, ग्रीन कलर की लाइन होगी आपकी। कर्सर को साइड में रख के क्लिक करेंगे। अब कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन छोटा सा, फिर दूसरी लाइन यहाँ से, फिर तीसरी लाइन ऐसे ही ठीक सेम कलर की नीचे की तरफ ऐसे, उसके बाद लास्ट में ये चारों लाइन आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी इस लाइन से। ठीक इसके सामने एक और ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे। दूसरी लाइन फिर नीचे ड्रैग करेंगे। फिर तीसरी लाइन इसके सामने, फिर ये चौथी लाइन, जिससे कि ये तीनों लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी।
कलर को चेंज करेंगे, साइज सबसे दूसरा नंबर का लेंगे और बीच में ये ऐसे लाइन ड्रैग करेंगे। फिर उससे मोटा वाला लाइन लेंगे, उसे ड्रैग करेंगे। फिर दूसरे नंबर का साइज लेके यहाँ पे ये लाइन ड्रैग करेंगे। फिर यहाँ से ये दूसरी लाइन, उसके बाद साइज पे जाएंगे, सबसे पतला वाला लाइन लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रैग करेंगे। येलो कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये लाइन खींच देंगे। एक लाइन ऊपर की तरफ, फिर दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे, फिर ये आपस में जॉइंट हो जाएगी। और फिर ये चौथी लाइन यहाँ पे ऐसे येलो कलर का, जिससे कि अब आपका घर बन जाएगा। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने पेंट की फाइल को क्लोज करें। क्या आप सभी को पेंट का फाइल क्लोज करना याद है या नहीं? अगर नहीं तो सामने दिखाए जा रहे हैं वीडियो के द्वारा अपने पेंट की फाइल को क्लोज करें। आइए अब सीखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। पेंट की फाइल को क्लोज करने के लिए आप अपने कर्सर को क्लोज बटन पे, जो कि ऊपर दाहिने साइड कोने में है, यहाँ पर लेकर आएं। जैसे ही आप अपने पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे, क्लोज लिखा हुआ एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लोज करें। और फिर आपके पेज पर ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें कि तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। क्योंकि आपको इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए आप डोंट सेव पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे ही आप डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में हमने सीखा कि थिकनेस ऑफ लाइन क्या होता है, इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं, कलर पैलेट क्या होता है, इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं। आज की कक्षा में लाइन टूल की मदद से बहुत सारी पिक्चर्स बनाई और फिर एमएस पेंट की फाइल को क्लोज करना सीखा और सिस्टम को शटडाउन कैसे करते हैं यह भी सीखा।